जिद की जा रही है। उनकी दो बेटियां कृतिका और तारिणी अस्थियां लेकर आज सुबह ही हरिद्वार पहुंची थी। पूजा पाठ विधि विधान के बाद अब ये तस्वीरें सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की जा रही हैं। कल उनका अंतिम संस्कार हुआ था और अंतिम संस्कार के बाद हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अस्थियों को माँ गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी उनकी अस्थि कलश को लेकर आज सुबह हरिद्वार पहुंची। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भावुक करने वाली। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, आखिरी सलाम दे रहा है। उनके परिवार वाले सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका तारिणी उन्होंने उनकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। काफी भावुक ये पल परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, कि जिस तरह से बिपिन रावत ने देश की सेवा की है, हर कोई उनको सलाम कर रहा है, हर कोई उनके अदम्य साहस को याद कर रहा है। हरिद्वार से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीडीएस बिपिन रावत अस्थि विसर्जन का ये पूजा पाठ विधि विधान वहां पे शुरू हो गया। ये देखिए अब उनकी दूसरी बेटी इस दूसरे कलश को गंगा नदी में उनकी अस्थियों को विसर्जित करेंगी। काफी भावुक पल। सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ देश के पहले बिपिन रावत, कल उनका अंतिम संस्कार हुआ और आज उनकी अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित किया जा रहा है। उनके परिवार वाले सुबह ही उनकी दोनों बेटियां कृतिका तारिणी उनके परिजन हरिद्वार पहुंचे हुए थे थोड़ी देर पहले। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक जो पूजा प्रक्रिया होती है, विधि विधान होते हैं, वो सब संपन्न हुए हैं और उसके बाद उनकी दोनों बेटियां बारी बारी से दो कलश उनके अस्थियों के लाए थे, उनको विसर्जित किया जा रहा है। पूरा देश देश के इस बेटे को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। बिपिन रावत इन्होंने देश की सेना को मॉडर्न बनाने का चैलेंज लिया। बिपिन रावत जिन्होंने दुश्मनों को करारा जवाब देने का चैलेंज लिया और दिया भी पाकिस्तान उसी की भाषा में, करारा जवाब दिया चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, देश की सेना को आधुनिक कर आधुनिक हथियारों से लैस करने का जो काम किया है, उनके योगदान को हर कोई आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है। देश की तीनों सेनाओं में तालमेल बनाने का जो योगदान है बिपिन रावत का, वो पूरा देश कभी भुला नहीं पाएगा। और अब अपने अंतिम सफर या कहें ये बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया होती है हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक। अंतिम संस्कार के बाद हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है।